क्या बचा हुआ है, इसको कैसे मिटाओ, कौन सी दवाई लगाओ। बार बार दवाई का प्रयोग अपने ऊपर करके दवाई मुरली में सुना था, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो, ये दवाई है। रोज प्रयोग करते रहो तो प्रयोग करते 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 ये प्रयोगशाला है, एक्सपेरिमेंट ज्ञान के द्वारा अपने ऊपर करो। तो वो विधि बताए, अपने आप को जागृत करो, मैं कौन, मेरा रूप कैसा है, देख लो, नहीं तो आत्मा एकदम सफेद चमकता हुआ सितारा है, पिंक कलर लगती है, ग्रीन कलर लगती है, कौन सी कलर है मेरा, जैसे संस्कार ऐसा रंग दिखाई देगा। फिर मेरे गुण कौन से, अभी गुणों में कमी कौन सी है, होना चाहिए लेकिन अभी भी ये गुणों में आया नहीं, परिपक्वता नहीं, और क्या करना चाहिए, ये गुण कैसे सुधार। क्योंकि आज बाबा ने मुगले में कहा सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति कहाँ आएगी, तो पूछ लो किसी ने कुछ कहा क्या मैं सहन कर सकता हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो, क्या मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये बोलते रिपीटेशन, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, जैसे भक्ति में राम 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 कहते हैं, ऐसे नहीं है। ये एनालाइज करो, समझाओ मेरे अंदर कौन सी शक्ति, अगर किसी ने कुछ गलत किया, गलत बोला, इंसल्ट किया सबके सामने, निंदा किया सबके सामने, आपके इंसल्ट किया, क्या आप सहन कर सकते हो, पूछो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। हाँ बाबा ने कहा सामना भी करना चाहिए, बोलना भी चाहिए, लेकिन नम्रता से, निर्माणता से, सत्यता कैसे देनी चाहिए, सत्य बोलो या थोड़ा सा और कुछ बोलो, 5000 साल के लिए फिर से हिसाब किताब बना रहे हो, अगर थोड़ा ट्यून जो रो गया, थोड़ा सा गुस्सा का अंश आ गया, फीलिंग आ गई, आए थे हम संस्कार मिटाने के लिए, हिसाब किताब मिटाने के लिए, 5000 साल के लिए फिर से हिसाब किताब बनाने लगते हैं, नहीं उन्होंने ऐसे किया, हाँ वो करेंगे। तब बाबा ने कहा हर प्रकार की परिस्थिति आएगी, पेपर समझो, बिना परीक्षा दिए हुए कोई भी आगे नहीं जा सकता। तो ये पेपर आया मेरे साथ, ये परीक्षा, तो मुझे क्या करना चाहिए, पहले से तैयार करो, सहन करो, चाहे कुछ भी हो। ये कहने वाला कौन, सर्वशक्तिवान शुभ बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारे साथ, मैं जिम्मेवार, अगर कुछ हो जाए मैं जिम्मेवार, मैंने आपको कहा, किसी मनुष्य के महावाक्य नहीं, किसी शास्त्रों के महावाक्य नहीं, कहने वाला कौन, सत्यम शिवम सुंदर, वो कह रहा उसके श्रीमत पर मैं कुछ कर रहा, अगर कुछ हो जाए मैं जिम्मेवार, मैं देख, बाबा ने कहा मैं देख लूंगा, आप मेरे पर निश्चय करके देख लो। तो विश्वास विधि, क्योंकि भगवान को कहते सभी लोग, हम भगवान, भगवान जो मेरा सुनेगा, तो भगवान का सुनना, भगवान हमारा